बिंदिया पर एक के बाद एक कर सभी घर वाले निशाना साधे हुए हैं। जी हां, हम देख रहे हैं कि बिंदिया अपने घर में नवरात्रि मना रही है, जिसमें वो कंजकन पूजा करना चाहती है, और इसीलिए वो अपने शहर के या फिर यूं कहे तो अपने आसपास जितने भी उन्हें गरीब बच्चे दिखते हैं उन्हें लेकर आती है उनकी पूजा करने के लिए। लेकिन ये बात जब बिंदिया की सासू मम्मी और पायल को पता चलती है तो वो सभी एक और नया बहाना ढूंढ लेती हैं बिंदिया को नीचा दिखाने का, और लगातार अपने बातों का वार उन पे किए जा रही हैं। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो अम्बे मात की जय। या बिल्कुल सही कह रहे हो, मन में जरा श्रद्धा भर के देखो, इन बच्चों में भी दिली का रोग दिखाई देगा। हमें तुम्हें बहुत गर्व है बेटा, तुमने इनसे बच्चों को। दरअसल उनका ऐसा कहना है कि बिंदिया ने किस भिखारियों को पकड़ कर लाया है। वहीं बिंदिया का ऐसा कहना है कि ये गरीब बच्चे हैं, अगर इन्हें हम खाना खिलाएंगे तो माता रानी ज्यादा प्रसन्न होंगी। और वहीं इन सब में हम देख रहे हैं कि क्रिश के पापा बिंदिया को ही पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्रिश की मॉम और बाकी की फैमिली बिंदिया के खिलाफ है। अब देखना ये होगा कि बिंदिया के खिलाफ ये जो वार चल रहा है इसे बिंदिया किस तरह से रोकती है और कैसे पूरी फैमिली के सामने अपनी बात रख पाती है। एंड इसी तरह की और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को।